स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की। नैनीताल के लालकुआ में 27 सितंबर को भारत बंद कार्यक्रम में जुटी किसान महासभा। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर भारत बंद के समर्थन में अखिल भारतीय किसान महासभा के द्वारा भारत बंद के कार्यक्रम को सफल बनाए जाने को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। इसी क्रम में लालकुआ पहुंचे अखिल भारतीय किसान महासभा के राष्ट्रीय सचिव पुरुषोत्तम शर्मा ने कहा कि भाजपा सरकार किसान विरोधी सरकार है और खेती में कंपनी राज लाना चाहती है, इसलिए भाजपा सरकार किसानों के हर सवाल पर अपनी बेरुखी बनाए हुए है। किसानों के खिलाफ बनाए गए 3 काले कृषि कानूनों के खिलाफ किसान पिछले 10 महीने से दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार अपना किसान विरोधी रवैया छोड़ने को तैयार नहीं है। उन्होंने सभी से संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा आहूत 27 सितंबर के भारत बंद को सफल बनाने की अपील करते हुए कहा कि खेती किसानों को गुलाम बनाने और खाद्य सुरक्षा को कंपनियों के गुलाम बनाने की केंद्र सरकार द्वारा साजिश रची जा रही है। ये लड़ाई सिर्फ किसान ही नहीं, देश के हर नागरिक की लड़ाई है। देश को बचाए रखने के लिए कई संगठनों द्वारा संयुक्त किसान मोर्चा को समर्थन दिया जा रहा है। 27 सितंबर का भारत बंद ऐतिहासिक बंद होगा। संजीव सिंह की रिपोर्ट। संयुक्त किसान मोर्चे की ओर से हम लोगों ने 27 तारीख को संपूर्ण भारत बंद का आह्वान किया है और ये जो बंद है ये दरअसल में सिर्फ किसानों की मांग पर ही नहीं है। किसान इस लड़ाई की आज अगुवाई कर रहा है पूरे देश का, क्योंकि जो खेती किसानी को गुलाम बनाने की, हमारी जो 135 करोड़ की आबादी की खाद्य सुरक्षा को कंपनियों का गुलाम बनाने की जो मोदी सरकार की साजिशें थी, इसके खिलाफ ये 3 कानून आए और इन 3 कानूनों के खिलाफ जो है किसानों ने लड़ाई शुरू की और एमएसपी गारंटी की मांग उसके साथ रखी। लेकिन ये लड़ाई अब धीरे धीरे, क्योंकि सरकार इन 3 मांगों के प्रति बेरुखी अपनाई हुई है और ये लड़ाई धीरे धीरे अब सरकार द्वारा जिस तरीके से पूरे देश को बेचने की मुहिम चली है, इसको हम लोगों ने इसके साथ जोड़ा है। और 4 श्रम कोड जो तमाम श्रम अधिकारों को खत्म करके, श्रम कानूनों को खत्म करके, जिन 4 श्रम कोड को ये सरकार लाई है, इसकी वापसी की डिमांड को हम लोगों ने जोड़ा है, तो ये एक व्यापक मुद्दा बना है। और इसलिए जो है इस देश के अंदर अभी पूरे देश भर में हम लोग देख रहे हैं बंद की व्यापक तैयारियां चल रही हैं। तमाम संगठन बहुत जोर शोर से बंद की तैयारियों में लगे हुए हैं और ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक बंद होने जा रहा है इस देश के अंदर। और ये बंद जो है देश को बचाने के लिए है, देश को नीलामी से बचाने के लिए, देश के खाद्य सुरक्षा को बचाने के लिए, देश की खेती किसानी को बचाने के लिए, देश के मजदूरों के श्रम अधिकारों को बचाने के लिए और बेरोजगारों के रोजगार के अधिकार को बचाने के लिए ये बंद का आह्वान है। हर तबका इसमें जो है शामिल हो रहा है।